टीम 9 से खास बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश सिंह रावत हैं। सर, टीम 9 में बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद राव जी। पहला सवाल यह है, कल विधानसभा सत्र आहूत हो रहा है और कहीं ना कहीं लोग कयास लगा रहे हैं UCC को लेकर के उत्तराखंड में लागू होने का। कल 10:45 पर मैं भी, जो अतिक्रमण हटाओ के नाम पर गरीबों को हटाया जा रहा है, लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, बड़े आतंक का माहौल है पूरे राज्य के अंदर, एक घंटे का मौन व्रत रखूंगा, गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठूंगा 10:45 पर, जो है कल जो है। और ये विधानसभा में भी हम लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, करण मेहरा जी के नेतृत्व में, गोगी साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे, पूरी लड़ाई आगे चलेगी सिलसिले से जो है। सर, बागेश्वर में कल चुनाव, उपचुनाव होना है, वोटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक लेटर आता है जिसमें वो लिखते हैं जो ऑब्जर्वर हैं चुनाव आयोग के, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। वो भाजपा हारने जा रही है इसलिए अब ठीकरा जो है ऑब्जर्वर के सर पर फोड़ रहे हैं। हकीकत ये थी कि 36 लाख रुपया दिखाई दिया ऑब्जर्वर को मुख्यमंत्री के काफिले की एक गाड़ी के बैग में, उसको भगा दिया। अब क्या कह रहे हैं, उस गाड़ी का जो नंबर था उसी नंबर की कोई स्कूटी ढूंढ के लाए हैं, उसका चालान कर रहे हैं है? और थानेदार को जो है सुना कोतवाल को वो कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, और कोई बता नहीं रहा है क्यों सस्पेंड किया, भाई क्या कहा बताओ ना। और अब इलेक्शन ऑब्जर्वर को उनका गुनाह केवल इतना है कि उन्होंने जो है उस काफिले की उस गाड़ी में जब वो नोट का थैला देखा तो उन्होंने कहा भाई इनको पकड़ो, इसको गाड़ी को बंद कर दो, ये मैंने सुना है, जो मैंने सुना है। सर, तो अब पता चला है उसी नंबर की एक स्कूटी का जो है चालान करके दिखा दिया है। तो भाजपा वाले उस्ताद हैं, उनके अध्यक्ष जो है हारी हुई मानसिक। विधानसभा में कल क्या मुद्दे, क्योंकि कांग्रेस के एक ज़मीनी नेता और एक क्या कह सकते हैं कि उत्तराखंड में नींव रखने वाले हरीश रावत, तो क्या उनको राय दी है अपने जो कांग्रेसी विधायक हैं, कल क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, राय तो यशपाल आर्या जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस के विधायकगण तय करेंगे, बैठे होंगे इस समय, प्रदेश अध्यक्ष से भी राय लेंगे। और मेरी तो ख्वाहिश है कि कांग्रेस 2-3 दिन का जो सेशन है गरीबों के सवाल उठाए, हाँ, जो और ये जो आपदा में पानी भरा हुआ दूसरा हुआ उसके उठाए, जो बेरोजगार नौजवान जिन पर लाठियां चल रही हैं उनके सवाल उठाए, महिलाओं की इज्जतें लूटी जा रही हैं उसका सवाल उठाए, जो जनता के सवाल हैं उनको उठाए। जाते जाते आखिरी सवाल सर आपसे ले लेते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर हरीश रावत की क्या राय है? एक जुमला है, एक हार से डरे हुए प्रधानमंत्री का जुमला है, उनको लग रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम हारने के बाद फिर तो सब डमाडोल हो जाएगा, डमा डम, मोदी गए हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये बीच में जुमला ले आए हैं, ये जो है अब ये जुमले का न सर है न पैर है, अरे कैसे लागू करोगे भैया? यदि मान लिया तुमने इलेक्शन करवाए ग्राम सभा से लेकर के, वार्ड से लेकर के दिल्ली तक के हर इलेक्शन करवाए, और दिल्ली की सरकार मान लिया, प्रधानमंत्री बहुमत खो गया है, भंग करनी पड़ी लोकसभा, सरकार नहीं बन पाई, और एक ही साल के अंदर करनी पड़ी, 2 साल में करनी पड़ी, तो मतलब यह है वो भी भंग होंगे, दहेज में साथ साथ जो है विधानसभाएं भी जाएंगी, जिला पंचायतें भी जाएंगी, नगर पालिकाएँ नगर निगम भी जाएंगे, और वार्ड भी जाएंगे, सभी जाएंगे दहेज में जो है। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने बताया UCC को लेकर के, उन्होंने बताया क्या उनकी धारणा है, साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर भी उन्होंने अपनी राय रखी, और कल विधानसभा सत्र उत्तराखंड में होने वाला है उसको लेकर भी उन्होंने TV9 से बात की। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।